हेलो बच्चों, स्वागत है आपका तैयारी एग्ज़ाम की चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन का अर्थ है कोई भी चीज़ जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो और उसके कार्य को सरल बनाए, उसे हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम संसाधन कहते हैं। फिर वो चाहे बस हो, कार हो, ट्रक हो, चेयर हो या फैन हो, ठीक है, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। पहाड़, नदी, जलवायु और हवा, ये सभी भी क्या हैं? संसाधन ही हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। कुछ संसाधन क्या हैं? जो हमें मनुष्य ने दिए हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ये सभी क्या करते हैं? हमारे कार्य को सरल बनाते हैं, इन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज़ जो मनुष्य के कार्य को सरल बनाती है और हमारे लिए उपयोगी होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, एक चार्ट बना हुआ है, इस टेबल को आप देख लेंगे, ये आपकी बुक में भी होगा। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं मेन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, पहाड़, नदी, जल आदि। मानवीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उन्हें हम मानवीय संसाधन कहते हैं। वास्तव में मानव किन्हीं संसाधनों को नहीं बना सकता है, वो केवल जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनमें उपयोगिता का सृजन करता है। अब फिर से हम चलेंगे प्राकृतिक संसाधन की तरफ। तो प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, जो एक बार उपयोग करने के बाद में ख़त्म नहीं होते, उनका उपयोग हम सतत तरीके से कर सकते हैं, जैसे पवन, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उनका उपयोग हम भविष्य में नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर हम देखो, जो यहाँ चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें और तरह के भी संसाधन दिए हैं, इनको आप पढ़ लेना, लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नीचे विस्तार से दिया गया है संसाधनों के बारे में। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विभिन्न आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन के बारे में देखेंगे, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जान हो, ये याद रखें आप, वो होते हैं आपके जैव संसाधन, ठीक है। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, पशुधन, ये सभी क्या हैं? जैव संसाधन हैं। अगर हम बात करें अजैव संसाधन की, तो अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, ये हैं आपके अजैव संसाधन। इसके बाद समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जिनके बारे में हमने अभी आपको ऊपर बताया था। ये तो आपको पता ही है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन जिनको पुनः चक्र संभव नहीं है, अर्थात वो एक बार यूज करने के बाद में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन आपके होते हैं, एक नंबर एक व्यक्तिगत संसाधन, और नंबर दो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तो और राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर केवल एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जो किसी एक व्यक्ति के उपयोग के लिए हों, उस पर हर एक कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। जैसे
गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, हर एक व्यक्ति का एक खेत होता है, वो ही उस पर खेती कर सकता है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। इसी तरह से अगर हम बात करें तालाब, चरगाह, कुआ वगैरह जो भी हैं, ये सभी क्या है, ये व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात कर लें, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक यानी समुदाय का जिस पर हो अधिकार, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, शामिलात भूमि मतलब शामिल भूमि, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके सामुदायिक संसाधन। मान लो आपके यहाँ एक पार्क है, उसमें सभी लोग जा सकते हैं, तो वहाँ पर वो कैसा संसाधन है, वो एक स्वामित्व वाला सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। कैसे हैं, सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। ऐसे संसाधन जिस पर सब लोगों का अधिकार हो, सब लोग जा सकें, एक देश के जितने भी लोग हैं सब में जाएं, जैसे कि रेल है, रेलवे में आपको कोई मना तो कर नहीं सकता कि आप नहीं जाएंगे, ठीक है। सड़कों का उपयोग करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, तो ये सभी के संसाधन हैं, इसीलिए ये कैसे कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। और देखिए राजनीतिक सीमाओं के अंदर, ये यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक सीमाओं के अंदर भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय जो सीमा हमारी, वहाँ तक हमारा क्या है, राष्ट्रीय संपदा है, तो वहाँ तक हम जा सकते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संस्थानों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तट रेखा से 200 समुद्र मील दूर से खुले सागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 समुद्री मील के आगे आप जाएंगे तो आपके देश की सीमा खत्म हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाएगी, वहाँ पर सभी देश जो है अपने उसको समुद्र को प्रयोग कर सकते हैं आने जाने के लिए, किसी एक देश का वहाँ पर जो है प्रभुत्व नहीं होगा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। इसके बाद आएंगे विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर कितने संसाधन होते हैं। तो नंबर एक है संभावित संसाधन, इसको देख लेंगे पहले क्या है संभावित संसाधन में। यह वे संसाधन हैं जो किसी देश या प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वो हैं तो लेकिन हमने अभी उनका उपयोग नहीं किया, यानी वो संभावी हैं, आगे उनका उपयोग हो सकता है लेकिन अभी उसका उपयोग हुआ नहीं है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान, गुजरात, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, वहाँ पर सौर ऊर्जा संसाधन का उपयोग करके हम बिजली बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज करें, अभी हम उसको यूज नहीं कर पाए हैं। इसके बाद देखेंगे विकसित संसाधन, विकसित संसाधन कौन से होते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं, और संसाधनों का विकास प्रौद्योगिक और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है भंडार, भंडार क्या होते हैं। भंडार में पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, यानी वो हमारे लिए उपयोगी हैं भंडार में, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से अभी बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है, और हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, परंतु हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको उपयोग कर सकें, ठीक है। तो ये होता है भंडार। इसके बाद में चलेंगे संचित कोष, ये कौन से हैं। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, ये जो संसाधन है ये भी एक भंडार का हिस्सा ही है, जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका हम सोच तो रहे हैं कि हम इनको उपयोग कर सकते हैं, हाँ ये संचित कोष में है हमारे, लेकिन अभी इनका हम उपयोग कर नहीं पाए। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, हमने सोच लिया कि हम इसको आगे यूज करेंगे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब हम उसको कर लेंगे। नदियों को जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है इसका, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है, अगर हम चाहें तो इसको ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और देखिए इस लेसन में क्या है इम्पोर्टेंट। इसके बाद में जो आपका होगा सतत पोषणीय विकास, ये क्या होता है इसको आप देख लेंगे। सतत पोषणीय विकास,
इस तरह से संसाधनों का उपयोग करना कि वो पूरी तरह से नष्ट भी ना हो और आने वाली पीढ़ी, भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसके उपयोग के लिए वो साधन बचे रहें। अर्थात हम अपने संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि वो भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहें, उसी को हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1922 में हुआ था, जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ, इसीलिए इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 के रूप में जाना जाता है। उसमें ये मुद्दा उठाया गया था कि हम संसाधनों का किस इस तरह से प्रयोग करें कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहें। ठीक है, इसी तरह से इसमें एजेंडा 21 है, इसमें ये 21 बातें रखी गई थी कि संसाधनों का किस तरह से उपयोग किया जाए कि वो आगे के लिए सुरक्षित रहें। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बेटा, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे, यहाँ से भारत में संसाधन नियोजन यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपना स्कोर है वो बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।